हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने सेशन को करिएगा, करिएगा सब्सक्राइब आज हम मिशन 2024 की उस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं पुरस्कार और सम्मान एस या किसी भी वनडे एग्जाम में दो के अंदर अगर आप इनरोल करना है और आपको जीके जी एस से डर लगता है तो सबसे बेस्ट प्ले लिस्ट अगर कोई होगी तो वो होगी मिशन दो हजार चौबीस की प्ले लिस्ट एक एक चीजों के आपको नोट्स बनाने हैं सभी के पास मिशन 2024 की इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोस के एक एक क्लास के नोट्स होने चाहिए ठीक है भाई और जिस जिस बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं की है तो जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मिशन 2024 हजार स्टैटिक जीके के बाय सर स्टैटिक जीके बाय बायसिवान सर सर्च करने पर भी आ जाएगी स्टैटिक जीके मिशन 2024 बाय चौबीस बाई सर्च कर, सर्च करोगे तो भी आपको ये 40 क्लास मिल जाएगी इस 40 क्लास के अंदर आज हमारी 13 नंबर की क्लास है ठीक है इससे पहले हमने सारी क्लास करवाई है वो सभी आप नोट्स और प्रैक्टिस जरूर करिए ठीक है भाई वेरी गुड साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं बहुत सारे बच्चों का सपना एस एस है एस एस सी जी डी की अगर हम बात करें इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ बेहतरीन जबरदस्त और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, साथ मॉक टेस्ट मेरे दोस्त प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है तो मैं आप लोगों के लिए हर दिन सुबह सा आठ बजे हर दिन सुबह आठ बजे एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बेहतरीन लेवल पर क्वेश्चंस कराता हूँ कल हमारा प्रैक्टिस नंबर छ होगा जो आपका आर जी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा तो सभी बच्चे आर जी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें सभी बच्चे जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब देखेगा ठीक सात बजे भी मेरी उस पर क्लास होगी जहां पर मैं आप लोगों को बिहार जी के पढ़ाने वाला हूँ तो जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सबसे पहले तो लाइक करेंगे और हर दिन ठीक साढ़े पाँच बजे ये इवेंट आपको पहले शेयर कर देता हूं मैं टेलीग्राम पर ठीक है तो आप लोग इस इवेंट का बिना इंतजार किए ठीक साढ़े पांच बजे जरूर आ जाए करें ठीक है भाई चलिए साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक है जिन्होंने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा एक ऐसे परिवार से जो जन्म से जिनका जन्म से शोषण किया गया छोटी जाति के नाम पे डिफरेंट बातों के नाम के उस समाज को उस पूरे समाज को चलाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा संविधान देखे गए हैं अम्बेडकर साहब की अगर हम बात करें चौदह अप्रैल अठारह को उनका जन्म हुआ जो कि महु मध्य प्रांत जो कि आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश है अगर भारत रत्न की बात करें उन्नीस में इन्हें भारत रत्न मिला था और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत रत्न क्या होता है 6 दिसंबर आज ही के दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ ये महापरिनिर्वाण क्या होता है ये भी आज की क्लास में हम जरूर जानेंगे कुछ इनकी बुक की बात करें तो आपका द कास्ट इन इंडिया ठीक है देयर मैकेनिज्म जेनिस एंड डेवलपमेंट ठीक है द अनटचेबल हु आर द बुद्ध एंड आपका हिज धम्मा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये सभी इनकी बुक है अगर बात करें इनकी संस्था और संगठन की तो बहिष्कृत हित कारणी सभा 1923 में बनाई और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई उसके बाद अगर हम बात करें 1936 में बॉम्बे विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त हुए थे देश की के पहली कैबिनेट कानून मंत्री रहे देश के पहले कानून मंत्री उसके बाद तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता हमारे अंबेडकर साहब उसके बाद मुंबई में इनकी चैत्य भूमि है कौन सी भाई चैत्य भूमि है ठीक है अगर हम बात करें यहां पर देखना प्यारे बच्चों एक एक चीज आप देखिएगा अगर आप देखेगा यहां पर ध्यान से यहां पर ध्यान से एक एक बात देखना हम बात करते हैं सबसे पहले सिद्धार्थ की सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है ठीक है गौतम बुद्ध की हम बात करेंगे हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की किसकी बात करेंगे गौतम बुद्ध बचपन में नाम था इनका सिद्धार्थ बचपन में नाम क्या था सिद्धार्थ माता का नाम था महामाया माता का नाम था महा माया पिता का नाम था माता पिता का नाम था आपका सुद्धोदन क्या नाम था भाई सुद्धोदन नाम था और माता का नाम महामाया पिता का नाम सुद्धोदन इनका एक पुत्र था उस पुत्र का नाम था राहु जो बाद में जाके राहुल नाम दे दिया गया उसके बाद जब इन्होंने ग्रह त्याग किया वो ग्रह त्याग क्या कहलाता कहला कहला है बेटा महाभि निष्कर्मण क्या कहलाता है महाभि कहलाता है ध्यान से सुनना इस चीज को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा जब इन्हें इनको फर्स्ट टाइम ज्ञान प्राप्त हुआ उस चीज को कहते हैं बेटा निर्वाण जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उस प्रथम उपदेश को कहते हैं धम्मा चक्रा परिवर्तन क्या कहते हैं धम्मा चक्रा परिवर्तन क्या कहते हैं धम्मा चक्रा परिवर्तन सारे बच्चे सेशन को लाइक बिल्कुल मत करना जब तक मैं ना कहूं क्योंकि बिना कहे तो आप करोगे नहीं कितना बच्चा लाइव बेटर कितने लाइक है आप खुद देखिए एक बार उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश दिए शरावस्थी में और जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था उस चीज को महाभिनिष्क्रमण और जब इनकी मृत्यु हुई इस मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण निर्वाण जिसकी बात हम आज कर रहे हैं महापरिनिर्वाण होता क्या है जैसे हर धर्म हर धर्म के साथ कुछ शब्द जुड़े होते हैं जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष जुड़ा है हिंदू धर्म में मोक्ष जुड़ा है जैन धर्म में कैवल्य जुड़ा है ऐसे बौद्ध धर्म में मृत्यु शब्द की तुलना महापरिनिर्वाण से की है दोस्तों अंतिम समय में खुद अंबेडकर साहब ने जो धर्म स्वीकार किया था क्योंकि आपको पता है अम्बेडकर साहब खुद आर्टिकल 25 डिजाइन किए हैं हमारे संविधान में कि आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से तो अंतिम समय में उनके द्वारा जो संविधान स्वीकार किया गया जो अंतिम समय जो उनके द्वारा धर्म स्वीकार किया गया उसका नाम था क्या भाई उसका नाम था बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया अंतिम समय में और जो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो जब बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण ही तो के दिन आपका जो है अम्बेडकर साहब जी की जो पुण्यतिथि है तो उसी लिए कहते हैं कि आज क्या है आपका महापरिनिर्वाण दिवस है किसका अम्बेडकर साहब जी का तो अम्बेडकर साहब जी ने एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है लाइफ की वो ये कहा है कि भाई जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो पढ़ना होगा और इसलिए उन्होंने बोली है बात की अगर आप इस जीवन में कुछ भी पा सकते हैं अपने अधिकार अपने सपने सच तो क्या कहा है कि शिक्षा उस शेरणी का, का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा चलिए अगर हम बात करें अब अपने टॉपिक की अवार्ड को लेकर बात करते हैं सबसे पहले आपको मैंने बताया कि भाई इन्हें भारत रत्न मिला है भारत रत्न भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड पढ़ लेते हैं नोबेल प्राइज क्या पढ़ लेते हैं नोबेल प्राइज पहले एक-एक थ्योरी पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसके साथ-साथ क्वेश्चंस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है भाई बताना यह नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है तो भाई फिजिक्स में दिया जाता है आपका केमिस्ट्री में दिया जाता है और बायोलॉजी हालांकि बायोलॉजी वर्ड आपको याद नहीं करना आपको बायोलॉजी की जगह करना है मेडिसिन याद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला डॉक्टर बनता है यानी चिकित्सा उसके बाद डॉक्टर के अंदर होती है शांति बहुत ठीक है शांति और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो क्या लिखते हैं किताबें लिखते हैं बहुत सारी यानी साहित्य ट्रिक है ये ट्रिक बना रहा हूँ मैं साहित्य और भाई जब भाई डॉक्टर पैसे की कुमार अपनी इकोनॉमी ठीक करे तो इकोनॉमी ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप तो वरना आप वैसे याद कर लो कितने फील्ड में इकोनॉमिक फील्ड में कितने फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मेडिसिन तीन होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके बाद किसमें दिया भाई पीस शांति उसके बाद दिया किसमें आपका शांति के बाद आपका दिया किसमें लिटरेचर और उसके बाद दिया भाई इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्लियर बचे यस या नो तो कितने फील्ड में हो गया टोटल प्रेजेंट टाइम में सिक्स फील्ड में दिया जाता है कितने में सिक्स में ठीक है अब देखो अभी छह फील्ड में है, लेकिन अगर हम पढ़े कि अर्थशास्त्र के अलावा इस इकोनॉमिक्स को हटा दे सभी को 1901 से स्टार्ट है लेकिन आपको अर्थशास्त्र जो जोड़ा गया ये 1967 में ऐड किया और पहली बार दिया गया 1969 में पहले कितने थे शुरुआत में पांच फिर 1967 में छठा जोड़ा गया कौन जोड़ा गया छठे नंबर पर इकोनॉमिक्स जोड़ा गया जो 1969 में पहली बार दिया गया था ठीक है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है आपका नोबेल प्राइज ये अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबल डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल साहब इन्हीं के नाम पर दिया जाता है इनकी पुण्यतिथि यानी जिस दिन ये इस दुनिया को छोड़ के गए थे वो है दस दिसंबर तो हर साल ये दस दिसंबर को दिया जाता है तो आज कितनी तारीख है आज छह दिसंबर चार दिन बाद ये फिर से दिया जाने वाला है ठीक है वेरी गुड अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता याद रखना लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को भी दिया गया जो नहीं दुनिया में था जब नोबे नोबेल प्राइज, प्राइज डिक्लेयर कर दिया जाता है और जिस दिन मिलता है यदि उसके बीच में वो मर जाए तो उसको दे दिया जाएगा लेकिन मरे हुए व्यक्ति का नाम घोषित तो नहीं किया जाता नाम डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई कोई मैटर नहीं करता उसको नोबेल प्राइज मिलेगा अनटोल्ड लव बेस्ट स्टैटिक बुक एंड जीएस एस बुक सर प्लीज तो आपकी मंडे को सोमवार को सबसे बेस्ट स्टैटिक जीके के की बुक मैं खुद लॉन्च कर रहा हूँ जिसकी कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रिंट आउट कराना और मजे से बार बार पढ़ना ठीक है तो मंडे मिलेगी बेटा आपको मैं खुद इसको वो कर रहा हूँ लॉन्च ठीक है सबसे बेस्ट जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताएगा भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विषय के लिए दिया गया था किस विषय में भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था बताइएगा किस चीज के लिए क्या ये भौतिकी के लिए दिया गया फार्मोलॉजी केमिस्ट्री के लिए नहीं तो आंसर क्या आता है प्यारे बच्चे आंसर आता है लिटरेचर क्या आता है भाई आंसर लिटरेचर साहित्य इसका आंसर आएगा साहित्य के फील्ड में किस में हा वेरी गुड लिटरेचर वेरी गुड किसके लिए साहित्य के लिए अगर हम बात करें तो भाई नोबेल प्राइज जीतने वाले वो पहले भारतीय कौन थे भाई सबसे पहले साहित्य में दिया गया किस फील्ड में दिया गया साहित्य में लेकिन ये लिटरेचर में किसको दिया गया तो जिसको दिया वो पहले व्यक्ति बने तो वो एज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज तो बे आपके बच्चों इसका राइट आंसर मेरे दोस्त इसका राइट आंसर मेरे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर होगा क्या होगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर होगा मेरे भाई याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर किसके लिए दिया गया 1911 में दिया गया था गीतांजलि के लिए अच्छा राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे सारे बच्चे मैं बार बार एक चीज को कहूंगा तो मेरा ध्यान लाइक एंड शेयर पे रहेगा लेकिन मुझे पढ़ाना है इसलिए लाइक एंड शेयर की जिम्मेदारी आप निभाओ बाकी मैं निभा लूंगा सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे ठीक है भाई सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक करेंगे अगर हम बात करें अभी मैंने बताया हाउ मेनी नोवल प्राइज आर अवार्ड एनुअली हर साल कितने फील्ड में दिया जाता है छोटी सी मिस्टेक मैंने 1911 बोल दिया लेकिन रविन्द्र नाथ टैगोर को 1911 में नहीं 1913 में सी वी रमन को 1930 में मदर टेरिस को उन्नीस में अमृत सेन को 1998 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ये बाई चांस एकदम दिमाग से 1913 थर्टीन वो गलती से बोला गया राइट आंसर 1913 होगा मिश्रा जी बिल्कुल 1913 होगा ठीक है उन्नीस में दिया गया ठीक है मैं भी इसको पढ़ भी रहा था जब रिविजन कर रहा था नाइनटीन थर्टी में दिया गया गलती से मिस्टेक हाँ, हाँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कितने फील्ड में दिया जाता है हर बार तो कौन कौन से फील्ड है वो सारे बताइए तो देखो ट्रिक मैंने बताई फिजिक्स याद कर लो केमिस्ट्री बताओ और बायो वाला बच्चा क्या बनता है डॉक्टर यानी मेडिसिन ठीक है उसके बाद पहला दूसरा तीसरा भाई डॉक्टर बनने के बाद जीवन में क्या हो जाती है शांति आ जाती है पीस उसके बाद आदमी क्या करता है कितावे पढ़ता, कितावे पढ़ता से खाली बैठता है तो लिटरेचर ठीक है उसके बाद पर पैसा कमाता है तो इकोनॉमिक्स ठीक है तो कितने फील्ड हो गए सिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन आपका लिटरेचर और पीस लिटरेचर इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन और उसके बाद पीस लिटरेचर इकोनॉमिक्स टोटल सिक्स फील्ड में आ गया कितने फील्ड में टोटल छ छे क्षेत्रों में six, ठीक है बिल्कुल ओके वेरी गुड अच्छा ये बताइएगा कहाँ कहाँ से हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं इस बार मतलब अभी आज हमारे साथ बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं किस किस स्टेट किस किस यूनियन टेरिटरी तक हम पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है आप लोग टारगेट 2024 की सीरीज में मिशन 2024 में हमने हर क्लास में एक टारगेट दिया है एक हजार लाइक और हर बच्चों ने हमेशा इस टारगेट को अचीव किया है ये आप लोगों पे क्रेडिट जाता है इस चीज़ का इसका श्रेय आपको जाता है हर क्लास पे एक हजार लाइक आप आराम से पहुंचा देते हैं तो जितने बच्चों ने अभी तक आज भूल गए हैं तो वो एक बार फटाफट सेशन को शेयर करें और इस टारगेट को अचीव करने में बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर और सबसे पहले अपनी जगह भाई। जिसान खान हमारे साथ गया से जुड़े हुए हैं ठीक है वेरी गुड ड्रीम यूपीएससी थैंक यू सो मच बच्चे ओके राजस्थान चंचल वर्मा वेरी गुड बच्चे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया छपरा से भी जुड़े हमारे साथ बहुत सुंदर यूपी से जुड़े इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं ठीक है नोबेल प्राइज नहीं मिला अमर्त्य सेन को मिला अभी मैंने बताया था मदर टेरेसा को भी मिला है सीवी रमन को भी मिला है महात्मा गांधी को नहीं मिला दो क्वेश्चन बन जाते हैं एक चीज और याद कर लेना जिस समय संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा में 389 मेंबर डिक्लेअर किए गए थे उस समय गांधी जी को छोड़कर लगभग देश के अच्छे खासे मंत्री लगभग सभी मंत्री संविधान सभा में शामिल हुए थे गांधी जी वहां पर भी शामिल नहीं हुए थे और गांधी जी एक ट्रिक बना लो भाई गांधी संविधान सभा में नहीं गए इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला हालांकि गलत चीज है गांधी जी को नोबेल प्राइज देके फिर खैर नोबेल प्राइज और गांधी जी इस पर बड़ा विचार ही मर सके थोड़ा एक अलग है ठीक है गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है ठीक है तो उस पर अलग अलग विचार है तो महात्मा गांधी को नहीं दिया गया राइट आंसर सी इसका हुआ अगर हम बात करें यह देखिएगा 1929 में, 1929 नहीं 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस अध्ययन में नोबल प्राइज दिया पाने देने बारे बढ़िया <coughs> चलिए भाई झारखंड से भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं झारखंड राज्य किस राज्य में से निकलकर बनाए झारखंड राज्य वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत ही शानदार तो जो बच्चे इसका आंसर क्या लगा रहे परमाणु मॉडल एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक मॉडल पे नहीं ब्लैक रेडिएशन पे भी नहीं दिया मास एनर्जी रिलेशनशिप पे नहीं दिया

बहुत बच्चे जिसको देखेंगे इसीलिए इसमें कंटेंट में अपडेटेड है लेकिन वो है जो चेंज नहीं होगा सिर्फ फैक्चुअल सिर्फ जैसे अभी पह, पहले कि मिला वो कभी चेंज नहीं होगा ठीक है हाँ गांधी जी को भारत रत्न भी नहीं मिला चलेगा अब आ जाते हैं सेकेंड अवार्ड पे पहले समझिएगा मैक्स से अवार्ड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पहले थ्योरी समझिएगा नोट्स बनाइएगा और फिर देखना मात्र चार लाइन की थ्योरी इसको पढ़िए थ्योरी से मत डरिए उन्नीस में स्थापना हुई पहली बात किन के नाम पर है तो फिलीपींस के आपके पुराने मतलब पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैक्सेसे के नाम पर इसका नाम है वही मैक्सेसे अवार्ड का नाम किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया तो आप बताइएगा ठीक है तो रेमन मैक्से के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया जैसे देखो चीजों को रिलेट करो नोबेल प्राइज कब दिया गया हर बार 10 दिसंबर को यह कब दिया जा रहा है 31 अगस्त को नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल प्राइज का हद कहते हैं तो जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज तो नोबेल प्राइज इंपोर्टेंट हो गया लेकिन जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है तो भारत का मैनचेस्टर नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया का कहते हैं लेकिन एशिया का तो तो भाई फिलीपींस के पुराने राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था अगर आपका नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है तो मैक्स अवार्ड कब दिया जाता है 31 अगस्त को वो किस फील्ड में दिया जाता है अगर आप फिजिक्स में अच्छा करते हो केमिस्ट्री में अच्छा करते हो मेडिसिन में अच्छा करते हो साथ ही साथ शांति में अच्छा करते हो अर्थव्यवस्था में अच्छा करते हो और अर्थशास्त्र में अच्छा करते हो या फिर लिटरेचर पीस लिटरेचर इकोनॉमिक्स ठीक है ये पुरस्कार सार्वजनिक सेवा सोशल सर्व समुदायिक नेतृत्व पत्रकारिता साहित्य रचनात्मक कला और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है कुछ दिन पहले अभी एक हमारे एंकर है एनडीटीवी पे पहले थे अभी वो अलग हो चुके हैं नाम बताओ उन्हें भी मिला था मैक्सस अवार्ड पूछ रखा है कितना प्यारा सा क्वेश्चन है अभी मैंने समझाया और अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया कि मैक्सस अवार्ड रोमन मैक्ससे के नाम पर दिया जाता है वे किस देश के राष्ट्रपति थे रोमन मैक्ससे के नाम पर दिया जाता है वो किस देश के थे चलेगा रवीश कुमार सही आंसर बताया बेटा रवीश कुमार को मिला था अभी लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्या वो म्यांमार के थे नहीं क्या वो मलेशिया के थे नहीं स्वीडन नहीं वो थे आपके फिलीपींस फिलीपींस की राजधानी क्या होती है फिलीपींस की राजधानी होती है क्या बताओ मनीला किस आइलैंड पे है वो लुजोन आइलैंड पे है। किस पे लूजोन आइलैंड पे तो जिन बच्चों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी या जिस बच्चे ने मुझसे एशिया भी पढ़ा होगा एटलीस्ट यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा वो इसका आंसर बिल्कुल सही दे देगा चलेगा वरना आप जी स्पेशल में पढ़ सकते हो ठीक है चलेगा ओस्कर अवार्ड की बात करेंगे ओस्कर पुरस्कार की बात करेंगे उन्नीस में स्थापना हुई है अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा इसको ये हर साल दिया जाता है फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को ओस्कर मिला और ओस्कर अवार्ड पाने वाले भानु अथैया पहले इंडियन बने क्या ये प्रश्न बदल सकता है कि पहले इंडियन 2021 में कोई और थे 22 में नहीं पहले इंडियन तो ऑलवेज एक ही होंगे भाई ओस्कर जीतने वाले पहले इंडियन चाहिए बात मैं किस में 21 पढ़ा में पढ़ाऊं 22 में पढ़ाऊं 23 में पढ़ाऊं एक ही बात रहेगी भाई गांधी मूवी के लिए भानु अथैया जो है ये ओस्कर जीतने वाले पहले भारतीय बने यस या नो यही तो स्ट्रेटजी के सत्यजीत रे 1992 में सिनेमा में अपना पूरा जीवन त्यागने के लिए पूरा जीवन सिनेमा को देने के लिए इनको इस उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड 1992 22 में मिला 1992 बानवे नाइनटीन नाइनटी टू उन्नीस सौ बानवे नाइनटीन नाइन्टी टू ये होता है आपका ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार मजा आ रहा है देखो नो डाउट कंटेंट पढ़ने में वक्त लगता है यार ए बी सी डी खाली करवाने से काम नहीं चलेगा जो बच्चा फोकस करके पढ़ेगा उसको मज़ा आएगा ठीक है उसको मजा आता है लेकिन YouTube पर क्या है कि YouTube पर सबको ना ए बी सी डी खेलना है वो अपने बस की बात नहीं है तो कंटेंट भी देंगे और बीच में मैंने करवाया खुद ही मुझे कहा गया सर इसको ज़्यादा स्पीड से करवाने के लिए बस बच्चों को ए बी सी डी फिर मेरी मेरा मन नहीं माना मैंने कहा नहीं मैं पहले भी पैटर्न वही था जब मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवेट पढ़ाता तो मैं पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देता हूं और जब मैं थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं तो मैं तसल्ली बक्स पढ़ाता हूं ठीक है चलिएगा इंस्टीट्यूट इन 1970 एंड नेम आफ्टर यूएस डी पब्लिशर्स आपका जोसेफ प्लीजर 1917 में इसको स्थापित किया गया और अमेरिका के प्रकाशक जोसेफ प्लीजर के नाम पर इनका नाम रखा गया अमेरिका के प्रकाशक एक आपके पब्लिशर्स हैं जोसेफ पुलिसजर इनके नाम पर ये रखा गया और ये यूएसए के द्वारा हर साल दिया जाता है इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया जाएगा कि पुलिस्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो याद रखना बेटा जर्नलिज्म में दिया जाता है लिटरेचर में दिया जाता है म्यूजिक में दिया जाता है पत्रकारिता साहित्य संगीत पत्रकारिता साहित्य संगीत पत्रकारिता साहित्य संगीत इस फील्ड में ये दिया जाता है पत्रकारिता साहित्य संगीत के लिए स्थापना 1917 एक पब्लिशर्स है जो से इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है लो आ गया क्वेश्चन पीछे आपको जो पढ़ाया उसी पर क्या पूछ रहा है इन विच फील्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इज रिकॉग्नाइज फॉर द पुलिस प्राइज किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिजर अवार्ड दिया जाता है तो हमारे बच्चे आंसर कैसे लेट कर सकते हैं सेकेंडो में उड़ा देंगे लिटरेचर एंड जर्नलिज्म लिटरेचर एंड जर्नलिज्म साहित्य एवं पत्रकारिता साहित्य एवं पत्रकारिता यस yes या नो क्लियर मेरे बच्चे समझ में आ रही चीजें बहुत बढ़िया नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे बहुत ही सुंदर और इस अवार्ड के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है मिशन 2024 के अंदर इसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा आपको मिलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप सर्च करिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्च करिएगा यूट्यूब पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिवान सर बहुत सारी वीडियोस निकल के आएगी लेकिन कौन सी क्लास देखनी है आपको जिसपे मिशन प्रिंटेड नोट्स में लिखा होगा आपको ठीक है ये बयालीस की बयालीस वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद करिए और फिर देखना कि आपका एक भी नहीं बचेगा ये, ये पूरी प्ले आपके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है तो यूनेस्को अवार्ड किसके द्वारा यूनेस्को आपका ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा यूनेस्को की अगर हम बात करें ये अल्टरनेट ईयर पे दिया जाता है यानी हर साल नहीं एक साल छोड़ के दिया जाता है बस इसमें इतनी चीज याद रखनी है लेकिन यूनेस्को की हेरिटेज साइट की क्लास जरूर देख लेना नेक्स्ट मेन बुकर मेन बुकर अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ स्टार्ट हुआ 1969 से जो हमारे कॉमनवेल्थ कंट्री है ना कॉमनवेल्थ कंट्री के जो राइटर हैं उनके जो सर्वोच्च साहित्य उनकी जो आपके बेस्ट लिटरेचर अवार्ड में से एक है ये और ये मेन बुकर अवार्ड के रूप में नामित एक अंतरराष्ट्रीय स्ट्रोक ब्रोकर मेन ग्रुप है उसके द्वारा ये दिया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है स्थापना वर्ष पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा ठीक है चलेगा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है भारत रत्न बहुत इंपोर्टेंट है क्या अंबेडकर साहब की जयंती है सॉरी पुण्यतिथि होता अप्रैल में जब अंबेडकर साहब जी की पुण्यतिथि है और के पास क्या यहां से प्रश्न नहीं बनेगा जब वो देखेगा कि भारत रत्न मिला है तो वो प्रश्न नहीं रखेंगे कि भाई उन्हें अवार्ड से क्वेश्चन देना है अंबेडकर साहब को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया 1990 में दिया गया ठीक है महापरिनिर्वाण कब हुआ आज के दिन 6 दिसंबर उन्नीस जन्म हुआ चौदह अप्रैल तो दिवस कब मनाया जाता है आपका जन्म दिवस मनाया जाता है चौदह अप्रैल को और महापरिनिर्वाण कब मनाया जाता है छह दिसंबर को इन्हें भारत रत्न मिला है तो मान लो अंबेडकर साहब से उन्होंने पढ़ा और उन्हें भारत रत्न से क्वेश्चन पूछना है जरूरी थोड़े ये पूछेंगे कि भारत रत्न कब दिया गया एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई भारत रत्न की स्थापना कब हुई तो जब वो पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई तब आपको बताना 1954। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है आप कला में अच्छा करो लिटरेचर में अच्छा करो साइंस में अच्छा करो या आप किसी भी फील्ड में बहुत बेहतरीन करते हो तो भारत सरकार के द्वारा ये अवॉर्ड दिया जाता है अब कुछ भी क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं बदलेगा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन थे तो आंसर आएगा सी राजगोपाल चारी क्या आएगा सी राजगोपाल चारी ठीक है सी राजगोपालाचारी सी राजगोपाला चारी अगर हम बात करें आगे यहां पर चलेगा नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति यहां पर मेरे दोस्त सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत का जो सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल क्रिकेट जो हर युवाओं की धड़कनों में बसता है क्रिकेट उसे उसी क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा क्यों क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत से अपना सारा वक्त दिया है जब चार बजे हम बिस्तर पे करवट लेते हैं ना उस समय वो चार बजे क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते थे रेगुलर रिवीजन और उन्होंने इस कहावत को झूठा कर दिया कि जो कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब उन्होंने कहा कि किसी भी फील्ड में सिद्धत से आप मेहनत करते हो आप उस फील्ड के बादशाह आप उस फील्ड के भगवान बन जाते हो और उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला किन्हें भाई सचिन तेंदुलकर को समझे तो राइट ऑप्शन डी आपका सपना है इंस्पेक्टर बनना आपका सपना है ऑफिसर बनना आपका सपना एक बिजनेसमैन बनना लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल जो मेहनत की डिमांड है क्या आप वो भी करना चाहते हो अगर हां तो वो पूरा होगा अगर सफलता ये कहती है कि चार बजे उठना है तो उठ अगर आप उठ रहे हो तो सपना पूरा होगा अगर सफलता ये कह रही कि भले ही आप आठ बजे उठो दस बजे उठो लेकिन जितनी देर आप जगे हो जितनी देर आप काम कर रहे हो बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो और आप वो करते हो तो सपना पूरा होगा सारा खेल मेहनत का है चलिएगा, मरणो प्रांत प्रथम पहली बार देखो पहली बार वाली बात करवा रहा हूं मैं जो कभी फैक्ट बदलेगी नहीं भारत रत्न आपका पोस्ट ह्यूमसली यानी भाई मृत्यु के बाद कहां पर? तो मृत्यु के उपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करें यहां पर ये पद्म विभूषण पहला मैंने क्या बताया भारत रत्न दूसरा मैंने बताया पद्म विभूषण ये त्रिपुरारी बच्चा कह रहा है सर कोर्स लेना है कहाँ मिलेगा त्रिपुरारी जी अगर आपको कोर्स लेना है जीएस स्पेशल लेना है या कॉम्बो स्पेशल लेना है जिसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस चारों स्पेशल होते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा डाउनलोड करना होगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिए और वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड वाला बैच कॉम्बो बैच आप अगर मुझसे सजेशन ले रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कॉम्बो बैच इनरोल करिए जिसमें मैथ स्पेशल आदित्य रंजन सर का रीजनिंग स्पेशल विक्रमजीत सर का इंग्लिश स्पेशल प्रशांत सर का और जीस स्पेशल मैं और मेरे साथ हमारी पूरी टीम जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक्स जिसमें आपको दीपक सर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स अमित सर करंट अफेयर राधिका मैम बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पुष्पिन सर ये सभी लोग पढ़ाएंगे वेरी गुड पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सबसे ऊपर कौन था भारत रत्न दूसरे पे कौन था आपका क्या था भाई आपका पद्म विभूषण स्थापना इसकी भी कब हुई भाई, भाई 1954 में हुई अगर हम बात करें सरकारी सेवा सहित जरूरी नहीं हालांकि सरकारी सेवा तो है सरकारी सेवा सहित किसी भी फील्ड में आप बेहतरीन करते हो तो आपको पद्म विभूषण दिया जाएगा भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म श्री पद्म भूषण ये सारे अवार्ड जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं छब्बीस जनवरी को भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक जो कहलाते हैं भारत के राष्ट्रपति उनके द्वारा दिए जाते हैं पहले पुरस्कार पाने वाले में जाकिर हुसैन थे वी के कृष्ण मैनन थे सत्येंद्र बोस बाल साहब गंगाधर खेर नंदलाल बोस जिग में वांगचुक ये सारे शामिल थे क्लियर भाई वेरी गुड ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं पद्म भूषण हो गया पद्म विभूषण हो गया अब हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण ये तीनों वर्ड ऐसे दिखने में होते पद्म विभूषण पद्म भूषण श्री इस तरीके से होते ये अपने आप में पाने के लिए बहुत बड़े गट्स चाहिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ही नहीं मिल जाती ठीक है चलिएगा अगर हम बात करें पद्म भूषण की तो पदम भूषण इज भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है सब, ठीक है. पद्म भूषण की स्थापना भी कब हुई उन्नीस में हुई थी और पद्म भूषण में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे होमी जहांगीर बाबा. ठीक है जो आपको ई बुक मिलेगी इस मंडे को ठीक है उसमें सारी थ्योरी भी कंप्लीट मिलेगी क्वेश्चन भी मिलेगी हाँ पी भी मिलेगी बेटा क्लास के बाद टेलीग्राम पर आपको ठीक है अगर हम बात करें पदम श्री पदम श्री किसी भी सार्वजनिक मामले में सामाजिक मामले में कला का मामले में शिक्षा के मामले में साहित्य के मामले में खेल के मामले में मैं कहूं किसी भी मामले में आपने अच्छा काम किया है तो आपको पदम श्री मिलेगा हाँ बीएसएससी के लिए पूरा जीके जीएस होगा ठीक है ओके okay, आज भी बीएसएससी में क्लास है आपको पहले चैप्टर की चलेगा भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार स्थापना हुई है उन्नीस में किसी भी भाषा में आपने बेहतरीन काम किया कौन सी भाषा 22 भाषा बाईस भाषा कौन सी जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई है संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई है संविधान की जो आठवीं आठ अनुसूची में भाषा दी गई है किसी भी भाषा में आपने बेहतरीन काम किया उसके लिए दिया जाएगा आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यस नो 100% चलिएगा नेक्स्ट आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू द अवार्ड राइट अंडर द आपका ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर आपको ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर आपको कितनी राशि दी जाती है ज्ञानपीठ अवार्ड के अंदर आपको कितनी राशि दी जाती हैं चलिए बताइए कितनी दी जाती भाई ग्यारह लाख अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था कौन थे भाई तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट right आंसर क्या होगा सुमित्रा नंदन पंत अगर हम बात करें यह क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों को एक बेहतरीन अप्रोच के लिए बढ़िया काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है ठीक है वेरी गुड अगर हम बात करें यह क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि शांति स्वरूप और यह क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और मैं फिर से लिख देता हूं सी जी एल दो हजार चौबीस मैं लिख देता हूं एसएससी एग्जाम 2024 में आपकी परीक्षा में आपको रखा हुआ मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन टू अभिषेक राजपूत ठीक है बच्चे तो इन द फील्ड ऑफ साइंस या फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चे ए क्या हो गया ए गिवन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस किसको आर डी बिड़ला अवार्ड आपका चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बिड़ला अवार्ड दिया जाता है धनवंतरी अवार्ड चिकित्सा विज्ञान के अंदर ही दिया जाता है लेकिन आपने देसी दवाई का स्पेशली दिया जाता है कि आपने हमारे जो साहित्य पर आधारित जो हमारे वेदों पर आधारित उस फील्ड में आपने कुछ किया ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है ठीक है और ये 2002 में शुरू किया गया था इसमें पहले विजेता थे अशोक दीवान साहुराज बिराजदार और अर्पणा घोष इसको बार बार लिख के याद करना बच्चे कह रहे कि सर पेड़ में और YouTube के कंटेंट में क्या फर्क होता है नहीं बच्चे फर्क नहीं होता सैमसंग या फिर कहे आपका मोटरेला का फोन या नोकिया का फोन नोकिया का फोन और या फिर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात मानो चाइनीज फोन और एप्पल फोन में क्या अंतर होता है दोनों फोन ही होते हैं ना या फिर मटरो का फोन और एप्पल के फोन में फोन ही होते हैं थोड़ी सी चीजें होती है अब समझिए उस चीज को अर्जुन अवार्ड 1961 में दिया जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बच्चा सोचता है कि किसके द्वारा दिया अर्जुन पुरस्कार खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा या डायरेक्ट आएगा भारत सरकार के द्वारा खेल में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये आपका अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा सारे बच्चे कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कौन सा दिया जाता है वही बताना है इसका आंसर कौन सा वर्ड दिया जाता है बिल्कुल अर्जुन पुरस्कार अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार यहां पर खा गया हमारा टाइपिस्ट ठीक है यहां पर अर्जुन सही लिख रखा है अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी होती है जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसकी नगद राशि कितनी होती है कितने रुपए मिलते हैं उसमें तो उसमें मिलते हैं पांच लाख रुपए ठीक है भाई पांच लाख रुपए जो हमने टारगेट दिया भैया आप लोगों को टारगेट एक हजार लाइक वो चीज आप जरूर ध्यान में रखें उसको बार बार सारे बच्चे याद रखें फटाफट और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य कौन थे गुरु तो जो खेल के कोच होते हैं उत्कृष्ट कोच बेहतरीन लेवल पे कोच होते हैं उनको दिया जाता है पहले कौन कौन है बालचंद भास्कर भागवत है ओम नाम है ओम प्रकाश भारद्वाज है अगर यहां पर क्वेश्चन आ गया ये कि कौन से पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है इनमें से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है बताएगा इनमें से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है तो ये होगा आपका ध्यानचंद भी है अर्जुन भी है द्रोणाचार्य सरस्वती सम्मान नहीं है राइट आंसर इज द डी अगर हम बात करें दादा साहेब फॉल के पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है पहली विजेता देविका रानी है। पहली विजेता देविका रानी ठीक है फर्स्ट रिसीवर ऑफ द दिस अवार्ड देविका रानी कौन है भाई ठीक है देविका रानी स्टार्ट कब हुआ 1969 में शुरू किया गया और यह भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास के लिए दिया जाता है यह फील्ड आपका हो गया यहाँ पर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोल्डन पुरस्कार का संबंध किससे है लिख लेना एस एस सी दो हजार चौबीस के लिए इम्पोर्टेंट है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक कार्य के लिए नहीं पत्रकारिता के लिए नहीं शांति प्रयास नहीं ये है फिल्मों के लिए तो डी इज द राइट आंसर डी इसका सही उत्तर होता है ठीक है भाई अगर हम बात करें यहां पर दादा साहेब फॉल के अवार्ड प्रदान किया जाता है दादा साहब फॉल के अवार्ड प्रदान किया जाता है तो ये दादा साहब फिल्मों के लिए दिया जाता है तो साहि सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा बाय आपका गवर्नमेंट ऑफ आप इंडिया के द्वारा दिया जाता है क्लियर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े यहां पर ग्लेंट्री अवार्ड वीर आपके वीरता पुरस्कार दो होते हैं एक वॉर टाइम अवार्ड होते हैं एक पीस टाइम अवार्ड होते हैं ध्यान से सुनना अगर हम बात करें युद्ध के समय वाले में तो जो सबसे बड़ा होता है परमवीर होता है उसके बाद महावीर होता है उसके बाद वीर होता है तीन होते हैं परमवीर महावीर वीर परमवीर महावीर वीर कौन कौन से होते हैं भाई परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र सबसे बहादुरी के लिए दिया जाता है परमवीर उसके बाद महावीर उसके बाद वीर लेकिन अगर हम बात करें भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है तो भाई परमवीर फिर वीर और फिर महावीर तो परमवीर महावीर और वीर परमवीर महावीर और वीर लेकिन अगर शांति के लिए दिया देखा जाए तो आपका जैसे सबसे देखो उसमें क्या था परमवीर महावीर और आपका वीर तो यहां पर अशोक चक्र की कंपेयर परमवीर से कीर्ति चक्र महावीर से और सूर्य चक्र वीर से सबसे ऊपर अशोक चक्र फिर कीर्ति चक्र फिर आपका सूर्य चक्र ये तीनों के तीनों क्लियर मेरे बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा भारत का सर्वोच्च अलंकरण अवार्ड है हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड तो कौन सा बोलेंगे भाई आंसर क्या बोलेंगे बिल्कुल सही परमवीर राइट आंसर आपका परमवीर फिर महावीर फिर वीर लेकिन कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है यानी शांति के लिए तो ये भारत रत्न तो नहीं दिया जाता छह फील्ड में ये इसको भी नहीं है तो नोबेल होता है ये अलग होता है यह भी अलग होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड ये 1959 में शुरू हुआ और अगर हम बात करें सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि भाई ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो आंसर आता है म्यूजिक किसमें दिया जाता है संगीत उसके बाद हम एक अवार्ड की ओर बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 1951 में स्टार्ट हुआ यहां से एक चीज देखना सरोद के लिए संगीत में पहली बार अलाउद्दीन खान को हिंदुस्तान वोकल में मुस्ताक खान हुसैन खान को कर्नाटक वीणा के लिए क्राईकुड़ी कर्नाटक गायन के लिए अरिया कुड़ी चारों नाम इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं ठीक है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये कंटेंट है अगर हम बात करें एक प्रश्न आप लोगों के लिए अगर मैं यहां पर आप लोगों को दू तो आप इसका राइट right आंसर क्या करेंगे चलेगा जो इससे अलग मैं बता रहा हूं इसके बाद मैं एक प्रश्न रख देता हूं होमवर्क के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार कालिदास अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार भी बोल देते हैं कालिदास सरकार सम्मान की सरकार द्वारा दिया जाता है तो इसका आंसर आपको बताना है होमवर्क में उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे कितने बच्चे हमारे ऐसे जिन्हें बिहार के एग्जाम देने हैं और बिहार जीके बहुत इम्पोर्टेंस होती है बिहार जीके की एक तो उन बच्चों के लिए अभी ठीक सात बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बिहार जीके की क्लास में कराऊंगा साथ ही साथ जिन बच्चों का सपना एस जीडी को लेके है जिन भी बच्चों का सपना एस जीडी को लेके है वो ये साठ प्रैक्टिस सेट जरूर करें आप देखोगे इनका लेवल थोड़ा अलग है सुबह आठ बजे अगर आप मेरी बात मात्र दो महीने मान लोगे हर प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा सुबह आठ बजे आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका भाई आपको वहीं पर मिलेगा बेहतरीन लेवल पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों का वहां पर सपना सच करने के लिए प्रैक्टिस बेहतरीन लेवल पर कराएंगे। तो चलते हैं आज के जो बच्चा अगर आप लोग जीएस स्पेशल में एनरोल करना चाहते हैं या कॉम्बो स्पेशल में एनरोल करना चाहते हैं वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और कंप्लीट कोर्स करिए एंजॉय करिए और करिए अपने सपनों को सच क्योंकि सपने सच होते हैं अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो सभी को एक बार फिर से बाय टेक केयर गुड नाइट जय श्री श्याम जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब सेशन को करिएगा लाइक और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद